अंगद जा रहे थे दूत बन करके। भगवान श्री राम ने अंगद को बुलाया और कहा, अंगद रावण के पास में जाना और रावण से ऐसा वार्तालाप करना जिसमें उसका हित हो जाए। क्या कोई अपने शत्रु का हित चाहता है? अरे आजकल तो लोग अपने मित्र का हित नहीं चाहते, शत्रु की तो छोड़ दीजिए। राम जी अपने शत्रु के लिए भी कैसा भाव है, भगवान श्री राम अंगद से कहते हैं, काज हमारे तासु हित हो, काज हमारे तासु हित हो, रिपुषण कहे हो बच कहे सो, रिपुषण कहे हो बच कहे सो, काज हमारे तासु हित हो, काज हमारे तासु हित हो, रिपुषण कहे हो बच कहे सो, भूषण करे हो बत नहीं सोइए, ताज हमारे ताज ताज सोहित हो, ताज सोहित हो। राम समान तो सिर्फ राम ही है, उपमान तुम सन आन राम समान, राम निगम कहे बल बिने विद्याशील शोभा सिंधु इनसे है। वेद भी कहते हैं श्री राम के जैसा दूसरा कोई हुआ ही नहीं। अगर राम की उपमा देनी हो तो राम के जैसा कोई हुआ ही नहीं। देखो तो जिस सुग्रीव ने राम जी से मित्रता की, भगवान ने सुग्रीव जी को वचन दिया कि मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा, तुम्हारा राज्य तुमको प्रदान करवाऊंगा, और भगवान ने सुग्रीव को राजा बना दिया। सुग्रीव ने भी वचन दिया था कि मैं भी सीता की खोज में सहायता करूंगा, सुग्रीव अपना वचन भूल गया। चार महीने व्यतीत हो गए, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण भैया से कहा, लक्ष्मण भैया देखो मैंने सुग्रीव से जिस कार्य के लिए मित्रता की थी और सुग्रीव हमारा ही काम भूल गए। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं अभी जाऊंगा और अपने बाण से सुग्रीव का वध कर दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं वध नहीं करना है। क्यों? कहा, सुग्रीव हमारे सखा है, सुग्रीव हमारे मित्र हैं, इसलिए सुग्रीव का वध नहीं करना है। भय दिखाई ले आव हो, क्यों? का तात सखा सुग्रीव, सुग्रीव हमारे मित्र हैं, इसलिए सुग्रीव को सिर्फ भयभीत करके ले आओ मेरे पास। ऐसा स्वभाव किसका होगा? भगवान श्री राम जैसा स्वभाव दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। जय हो। भगवान के जैसा प्रभाव भी किसी का देखने को नहीं मिलता, और भगवान के स्वभाव का ही परिचय कराने के लिए श्री राम कथा है। भगवान का प्रभाव परिचय कराने के लिए श्री राम कथा है। आइए राम कथा का पहला श्लोक हम सब लोग साथ में बोले, जिससे मंगलाचरण हो, क्योंकि बिना मंगलाचरण के ग्रंथ का कथन कथा अधूरी मानी जाती है। सब साथ में बोलेंगे, वर्णानामर्थ संघानाम
रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीर्विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान गणेश भगवती वाणी माता सरस्वती की वंदना की है। हे वाणी हे विनायक बंदे वाणी विनायक। किसी ने कहा बाबा जी एक बात समझ में नहीं आई, लोग किसी की भी वंदना करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं और आपने गणेश जी को छोड़ करके सरस्वती की वंदना की। बंदे वाणी जो वीणा पाणी है माता शारदा, आपने सरस्वती माता का वंदन किया। गोस्वामी जी ने कहा कि गणेश जी भी हमारे आराध्य है वंदनीय है, लेकिन माता सरस्वती की वंदना ज्यादा आवश्यक है। क्यों? कहा जब सरस्वती ही नहीं होगी तो हम वंदना किससे करेंगे। ज्ञान होना और वाणी होना ये दोनों हमारे लिए आवश्यक है। वाणी हो ज्ञान न हो तो भी व्यक्ति बोल नहीं सकता, और ज्ञान हो वाणी न हो तो भी व्यक्ति बोल नहीं सकता। कई विद्वान होते हैं लेकिन वक्तव्य देना नहीं आता, वो बोलना उनको नहीं आता, और कई बोलते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता मुझे बोलना क्या है। महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितना बोलते हैं, महत्व इस बात का है कि आप कितना तथ्यपूर्ण बोलते हैं, आपके बोलने का महत्व क्या है, आपके बोलने का प्रभाव समाज के ऊपर कितना पड़ रहा है। बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा कितना विचार पूर्वक हम बोलते हैं इसका महत्व। वाणी हो तो भगवान गणेश की आराधना की, क्योंकि एक गद्य के देवता है एक पद्य के देवता है। माता सरस्वती गायन की देवी है, पद्य की अधिष्ठात्री देवी है, और गणेश भगवान गद्य के देवता है। इसलिए वंदे वाणी विनायको, ऐसे गणेश और मां शारदा को मेरा प्रणाम, भगवान शंकर मां पार्वती को मेरा प्रणाम। एक श्रद्धा है तो दूसरे विश्वास है। हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का भी बड़ा महत्व है। श्रद्धा हो और विश्वास न हो तो ऐसी श्रद्धा का कोई महत्व नहीं। विश्वास हो और श्रद्धा न हो तो ऐसे विश्वास का कोई महत्व नहीं। विश्वास और श्रद्धा भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप को मान करके हमारे हृदय में भगवान के लिए विश्वास तो है कि भगवान है, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो ऐसा विश्वास किस काम का। विश्वास के साथ साथ श्रद्धा भी हो। बिना विश्वास के श्रद्धा अधूरी है और बिना श्रद्धा का विश्वास अधूरा है। श्रद्धा और विश्वास दोनों दोनों साथ साथ होने चाहिए। तीसरे श्लोक में गुरु की वंदना की। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरु की वंदना की। गुरु हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं, भगवान का परिचय कराते हैं। व्यक्ति के हृदय में जो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है उस अज्ञानांधकार को मिटा करके ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कराते हैं, ऐसे गुरु को ब्रह्मा भी कहा जाता है।
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी ने कहा महाराज गुरु ब्रह्मा कैसे, ब्रह्मा तो सृष्टि उत्पन्न करने का काम करते हैं, तो कहा गुरु भी ब्रह्मा है। हमारे हृदय में भक्ति को उत्पन्न करने का जो काम करते हैं वह गुरु है। गुरु अपने वचनों के द्वारा अपने शिष्य के हृदय में भक्ति को उत्पन्न करते हैं। भगवान विष्णु का स्वरूप धारण करके उस भक्ति का पालन करते हैं और भगवान शिव का स्वरूप बना करके संहार करते हैं। का संहार क्या करते हैं, का जो हमारे अंदर नाना प्रकार के दोष भरे हुए हैं उन दोषों को समाप्त करते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु शिव है। जब गुरु जी का दर्शन हो तो ऐसा समझना चाहिए या साक्षात तीनों देवताओं का स्वरूप है। और अंत में कह दिया गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात ब्रह्म है, भगवान का ही स्वरूप। गुरु के पास में चाहे जैसा शिष्य हो, अगर श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह शिष्य जगत वंदनीय हो जाता है। देखो चंद्रमा गुरु के श्राप से कलंकित है और वह चंद्र जब भगवान महादेव के पास में पहुंच गया और भगवान शिव ने उस चंद्रमा को अपने माथे पर रख लिया तो गुरु पत्नी के साथ गमन करने का जो श्राप लगा हुआ था वह चंद्रमा भी भगवान महादेव के माथे पर जाने के बाद में वंदनीय हो गया। और लोग जब प्रणाम करते हैं तो चंद्रमा को भी प्रणाम पहुंचता है। बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिनम। और देखो गुरु का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ अपने वाणी के द्वारा ही उपदेश करे। गुरु का मतलब है जो सदैव अपने शिष्य को शिक्षा दे, अपने आचरण के द्वारा भी, अपने व्यवहार के द्वारा भी, अपने वाणी के द्वारा भी। जो वाणी के द्वारा उपदेश दिया जाता है वह साधारण उपदेश माना जाता है। श्रेष्ठ उपदेश वो है जो अपने आचरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाए और शिष्य समाज उस आचरण को ग्रहण करके। लोग कहते हैं महाजनो ये न गतः सपंथ, रास्ता कौन है, तो कहा जिस पर महापुरुष चलते हों वह रास्ता ही श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु अपने आचरण के द्वारा भी शिष्य को उपदेशित करते हैं। गुरु प्रातः काल 4 बजे उठते हैं तो शिष्य देखता है और शिष्य को भी लगता है कि मुझे 4 बजे उठना चाहिए। गुरु सुबह सुबह माला लेकर के बैठ जाते हैं तो शिष्य को भी लगता है हमें भी सुबह सुबह माला जपनी चाहिए। गुरु नित्य संध्या वंदन करते हैं तो शिष्य को भी लगता है हमारे गुरु जी कर रहे हैं हमको भी करना चाहिए। और बिना गुरु के किसी का कल्याण होता ही नहीं है। गुरु बिनु भव निधि करइ न कोई, गुरु बिनु भव निधि करइ न कोई। सब साथ में गाइए भव निधि करइ न कोई, गुरु बिनु भव निधि करइ न कोई, गुरु बिनु भव निधि करइ न कोई। गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं होता। वह गुरु हमारे चाहे मनुष्य के स्वरूप में हो। और महापुरुष कहते हैं कि किसी मनुष्य को गुरु बनाओ मत, किसी मनुष्य को गुरु बनाओ मत,
और अगर बना लिया है, किसी को गुरु बनाया है, तो उसे मनुष्य मानो मत। गुरु में भी जो मनुष्य की बुद्धि रखता है वह दोष हो जाता है। गुरु मानव नहीं, गुरु साक्षात परमात्मा है। जब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, देवी एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, तो पार्वती जी ने कहा, महाराज ये बताइए मेरे गुरुदेव को श्राप क्यों देना पड़ा? कथा आएगी आगे, आप सुनेंगे। क्योंकि मेरे गुरु से कोई अपराध नहीं हो सकता, जरूर कोई न कोई अपराध विष्णु के द्वारा हुआ होगा। मतलब गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा हो कि भगवान से अपराध हो सकता है, मेरे गुरु के द्वारा कोई अपराध नहीं हो सकता, इतनी निष्ठा है तो हम मनुष्य को गुरु बनाएं, नहीं तो मनुष्य को गुरु मत बनाओ। क्योंकि जब तक ये मनुष्य का शरीर रहेगा तब तक दोष भी रहेंगे, लोभ भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, कामनाएं भी रहेंगी। और अगर दोष ही देखना है तो गुरु का मंत्र मत लो, और मंत्र लिया है तो वह गुरु साक्षात भगवान, गुरु साक्षात परब्रह्म। ऐसे गुरु की शरण में आने के बाद वह चाहे जैसा शिष्य हो वह जगत वंदनीय हो जाता है। देखो चंद्रमा जगत वंदनीय हो गया। भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम में रमण करने वाले श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी को प्रणाम किया है। दोनों आदि कवि हैं, हनुमान जी भी कवि हैं और श्री वाल्मीकि जी भी कवि हैं। श्री राम कथा का सबसे पहले किसी ने लेखन किया है तो श्री हनुमान जी महाराज ने किया है। हनुमान जी का एक ग्रंथ है हनुमान नाटकम, और उस हनुमान नाटकम में हनुमान जी ने भगवान श्री राम के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा। श्री हनुमान जी और वाल्मीकि जी एक बार मिले तो वाल्मीकि जी ने कहा, हे हनुमान जी आप तो राम जी की कथा के रसरसिया हैं, राम कथा के विशेष श्रोता हैं, आप जैसा श्रोता दुनिया में कहीं नहीं होगा। देखो कहीं भी कथा होती है, राम कथा में सबसे पहला व्यक्ति आने वाला कोई होता है तो श्री हनुमान जी महाराज है। यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहां जहां राम जी का कीर्तन होता है वहां हनुमान जी सबसे पहले आने वाले श्रोता होते हैं, और सबसे बाद में हनुमान जी जाते हैं। सबसे पहले आना सबसे बाद में जाना, ये हनुमान जी का हर राम कथा में हुआ थे। तो कहा, महाराज इतनी जगह राम कथाएं होती हैं, क्या हर जगह हनुमान जी पहुंच जाते हैं? कहा हाँ, जैसे वायु हर जगह पहुंच जाती है उसी तरह हनुमान जी भी हर जगह पहुंच जाते हैं। हनुमान जी भी तो पवन पुत्र हैं, हवा के पुत्र हैं। जैसे हवा हर जगह जाती है उसी तरह श्री हनुमान जी भी हर जगह पहुंच जाते हैं। एक बार की बात है, एक जगह कथा हो रही थी, श्री हनुमान जी महाराज उस कथा में बैठे हुए थे। श्री एकनाथ जी महाराज दक्षिण के बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं, वह कथा सुना रहे थे, और कथा में उनके मुख से निकल गया कि जिस समय सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी उस समय अशोक वाटिका के जो श्वेत पुष्प थे, सफेद पुष्प थे, वह बड़े सुंदर लग रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज खड़े हो गए और कथा के बाद में वक्ता महोदय से आकर के कहा, महाराज आप कथा में झूठ बोलते हैं। एकनाथ जी ने कहा, झूठ? कहा हाँ, क्या मैं क्या झूठ बोला? कहा आपने कथा में कहा कि अशोक वाटिका के जो पुष्प थे वो सफेद रंग के थे, इसमें झूठ क्या है? हनुमान जी ने कहा वहां के पुष्प लाल रंग के थे। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाए थे तो पहचान नहीं सके। एकनाथ जी ने कहा आप हैं कौन? कहा मैं हनुमान हूं और मैंने देखा है अशोक वाटिका के पुष्प लाल रंग के थे। एकनाथ जी ने कहा कि राम कथा ने हनुमान जी का दर्शन करा दिया, और जिसको हनुमान जी मिल जाए समझ लो उसको भगवान श्री राम मिल गए। देखो हनुमान जी के मंदिर में भी आप जाते हो ना, तो हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का दर्शन हो तो समझ लो सीताराम जी का भी दर्शन हो रहा है। क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कौन रहता है? जासु हृदय आगार,
बस ही राम सरका उधर। हनुमान जी जहां रहते हैं, हनुमान जी के हृदय में सीताराम जी रहते हैं, तो सीताराम जी का भी दर्शन हो जाता है। एक नाथ जी ने कहा कि हनुमान जी का दर्शन हुआ है तो राम जी का भी दर्शन जरूर होगा। कहने लगे मैं आपकी बात नहीं मानता कि अशोक वाटिका के पुष्प लाल रंग के थे। कहा कौन प्रमाणित करे? तो कहा माता सीता अशोक वाटिका में बैठी थी। चलो उनके पास तुमको ले चलते हैं, वही बताएंगे। एक नाथ जी महाराज को लेकर के हनुमान जी महाराज सीता जी के पास में आए। माता सीता ने कहा क्या हुआ हनुमान जी, एक साथ में कौन है? कहा महाराज जी पंडित जी कथा सुना रहे थे और कह रहे थे कि अशोक वाटिका के पुष्प सफेद थे, मैंने अपने आंखों से देखा वहां के पुष्प लाल थे, आप बताइए वहां के पुष्प किस रंग के थे, मेरा फैसला कर दीजिए। सीता जी हंसने लगी। हनुमान जी ने कहा मां क्या हुआ? कहा देखो अशोक वाटिका के पुष्प न तो लाल थे न तो सफेद थे, फिर कहा वहां के पुष्प नीले रंग के थे। हनुमान जी कहने लगे तो और समस्या हो गई, एक कह रहा है लाल थे, कह रहा है सफेद थे, और मां कह रही नीले थे। कहा अब इसका फैसला कौन करे? तो कहा जो सारे संसार के कणकण में विराजमान है भगवान श्री राम, वह इसका ठीक से फैसला कर सकते हैं। तो तीनों लोग राम जी सीता जी, हनुमान जी सीता जी और पंडित जी महाराज, तीनों लोग राम जी के पास में पहुंचे और कहा प्रभु आप मेरा फैसला कर दीजिए। कहा हुआ क्या है? कहा ये पंडित जी कहते हैं सफेद पुष्प थे, माता जी कहते हैं नीले पुष्प थे, और मैं कह रहा हूं लाल पुष्प थे, आप ही बताइए। राम जी ने कहा कि जो पंडित जी कह रहे हैं ये सही है, अशोक वाटिका के पुष्प सफेद रंग के ही थे। एकनाथ जी को वहां से विदा कर दिया। एकनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने कहा सरकार मैंने अपनी आंखों से देखा अशोक वाटिका के जो पुष्प थे वह लाल रंग के थे। श्री राम जी ने कहा हनुमान जी अशोक वाटिका के पुष्प सफेद ही थे, तुम जब अशोक वाटिका में गए तो तुम्हारे आंखों में क्रोध था। जब सीता को डांटने के लिए रावण आया और रावण मां जानकी को डांट रहा था, उस समय तुम्हारी आंखों में इतना क्रोध आया कि हनुमान जी को रावण को तुम मारना चाहते थे, लेकिन मेरे कारण तुमने रावण को क्षमा कर दिया, तो वह क्रोध तुम्हारे आंखों में उतर आया, इसलिए तुमको सारे पुष्प लाल ही लाल दिखाई पड़े। मां जानकी से कहा कि प्रभु मैं तो नीले रंग का देख रही थी। राम जी ने कहा श्री सीता जी अशोक वाटिका के पुष्प सफेद ही थे, तो कहा मुझे नीले कैसे दिखाई पड़े? कहा तुम चारों तरफ एक ही रंग देख रही थी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली। सीता जी के नयन अपने पैरों की ओर रहते थे, उनकी नजर अपने पैरों की ओर रहती थी, लेकिन ध्यान राम जी के चरणों में रहता था। और राम जी के चरण कैसे हैं? तो कहा नीलांबुज श्यामल कोमला। राम जी के जो चरण है वो नीले रंग के, राम जी का पूरा शरीर ही नीलांबुज है, भगवान आकाश के समान नील वर्ण के। तो कहा इसलिए तुमको नीले रंग के ही सब पुष्प दिखाई पड़ रहे थे। हनुमान जी महाराज जहां भी कथा होती वहां पहुंच जाते, यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनम। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा हनुमान जी आप तो राम कथा के सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं, आप जैसा राम कथा का रस रसिक कौन होगा, मेरा ग्रंथ देख लीजिए। और अपना वाल्मीकि रामायण ग्रंथ दिखाया। हनुमान जी ने कहा महाराज मैंने भी ग्रंथ बनाया है, अपने नाखूनों के द्वारा शिलाओं पर लेखन किया है, और उन शिलाओं पर ले जाके दिखाया। तो वाल्मीकि जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर ग्रंथ, अगर ये ग्रंथ प्रकाशित हो गया तो मेरे ग्रंथ को कोई नहीं पूछेगा। हनुमान जी एक काम करिए। हनुमान जी ने कहा क्या? कहा आप ऐसा करें, इन जो ग्रंथ को आपने लिखा है इसको समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। हनुमान जी ने उस ग्रंथ को हनुमान नाटकम को समुद्र में प्रवाहित कर दिया, और आज भी कुछ हनुमान नाटकम के श्लोक मिलते हैं। अद्भुत ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है हनुमान नाटकम। तो वाल्मीकि जी भी कवि हैं और श्री हनुमान जी भी कवि हैं।
वाल्मीकि जी महाराज और हनुमान जी की वंदना की, माँ जानकी की वंदना की, भगवान श्री राम की वंदना की है। और गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ को लिखने का हेतु बताया, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। ये ग्रंथ बनाया क्यों? तो कहा हमारे अंतःकरण को सुख और शांति मिले, इसलिए ये ग्रंथ बनाया। पांच सोरठा में पांच देवताओं की वंदना की है, और सबसे पहली चौपाई जो है गुरु की है। आइए हम सब सबसे पहली चौपाई में, और गुरु पूर्णिमा का अवसर आने वाला है, अपने अपने गुरु को याद करके इस चौपाई का गान करें, सब हमारे साथ में बोले। बंद हो गुरु पर सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंद गुरु पद पदुम परागा, बंद गुरु पद सभी लोग पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, स्वामी अमूरी मय चूरन चारु, स्वामी अमूरी मय चूरन चारु, समन सकल रुज परिवारु, परिवार बंदमू